अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल साहब? ठीक है, खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला की बहुत एहसानात हैं, बहुत अल्लाह ताला की करम नवाजियाँ हैं, और अपने ट्रिप को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो आज हम आए हैं जनाबे वाला लेक व्यू पार्क, इसको रावल झील भी कहा जाता है, रावल पार्क भी कहा जाता है, डैम पार्क भी, बहुत सारे नाम है इसके, लेकिन जो ज़्यादा है वो मेरा लेक व्यू पार्क ही चल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पार्क बना हुआ है, एंट्रेंस बहुत अच्छी है, ग्रीनरी बहुत है, और लोगों का रश भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है लोगों का रश। ये है जी चिड़ियाघर, इसमें बड़े नायाब किस्म के परिंदे शिंदे रखे हुए इन्होंने, और घोड़े भी हैं छोटी नस्ल के, मोर बहुत ज़्यादा हैं इधर, मोरों की आवाज़ें भी आप सुन सकते हैं कि बहुत ही मोरों ने शोर डाला हुआ है। बहुत सारी जगह हैं पाकिस्तान में फिरने के लिए, देखने के लिए, घूमने के लिए, आपको बहुत टाइम चाहिए, बहुत टाइम चाहिए सब कुछ देखने के लिए। तो यही है कि आधी चीज़ें एक ट्रिप में देखे, फिर अगले ट्रिप में, फिर इस तरह बंदा आप अपना जो पूरा ट्रिप आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ हर शहर में कुछ ना कुछ आप देखें, खाने ट्राई करें, बहुत ही अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, बहुत ज़्यादा वैरायटी है खानों की। और मौसम भी आज थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा है, धूप अब वो काफ़ी तेज़ लग रही है, और पानी 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 प्यास बहुत लग रही है। बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज, बहुत ज़बरदस्त सेटिंग, सफाई सुथराई। और दूसरा यह भी लिखा हुआ है, अगर आपने कुछ चीज़ नीचे फेंकी और आप पकड़े जाते हैं तो आपको 300 रुपये जुर्माना है, आपको फाइन होगा 300 रुपीज़। तो ये आपने लाजमी अपने आप को केयरफुल रखना है, वहाँ पे बिन पड़े हुए हैं, बिन के अंदर चीज़ डालें, बाहर कुछ भी ना फेंकें। लोग अपना घर से म्यूजिक लेके आए हुए हैं, बड़े बड़े स्पीकर, बारबेक्यू कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं, बिरयानियाँ चला रहे हैं, शामी कबाब चला रहे हैं, और लोग अपने पाकिस्तान में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपने तरीके से हर कोई एंजॉय कर रहा है, जो कि होना भी चाहिए, जिसको जो सूट करता है वो करना चाहिए। अभी देखें बांदर का तमाशा, हेलो। तो बांदर भी बहुत ही फनी था, बहुत ही फनी बांदर था। अंग्रेजी को मुझे नहीं पता ये कैसे करते हैं। तो हम वॉक करके गए हैं मेन डोर से लेके ऑल द वे टू जिधर लेक है, जिधर बोटिंग है, लेकिन यहाँ पे आपको गाड़ी भी मिल सकती है, वो आपको लेके जा सकती है, पता नहीं 10-15-20 रुपये समथिंग वो चार्ज करते हैं, या पता नहीं फ्री है, मुझे मैं इंफॉर्मेशन नहीं ले सका, लेकिन वो आपको लेके जा सकते हैं। लेकिन हमने यही डिसाइड किया था कि हम वॉक करके जाएंगे, क्योंकि पार्क को भी देखना, खाली बोटिंग करने तो नहीं हमारे, तो हमने वॉक किया। लेकिन अगर कोई ओल्ड एज या कोई बच्चे शच्चे हैं, कुछ सामान है,
तो आप उस गाड़ी में बैठ सकते हैं। बड़े प्यारे फूल लग रहे हैं, अभी तो बहुत छोटे हैं। ये बच्चा इंग्लिश गाना गाएगा, मुझे पता है इंग्लिश गाना गाएगा। चलो जी जस्टिन बीबर लगा दो। जबरदस्त सीनरी है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। लेक व्यू पार्क का फर्स्ट टाइम यहाँ जाना हुआ इधर, पर कमाल की चीज है, अच्छी बनी हुई है। आज का हमारा व्लॉग किधर ही होगा कंप्लीट। हमें अपने दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपने सब प्यारों का ख्याल रखें। तो अल्लाह हाफिज़ आज के लिए।